मुजफ्फरपुर में पुलिस का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नाबालिग छात्रा पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार जिले की कुड़नी थाना पुलिस ने एक छात्रा की मौत के बाद सड़क जाम कर रहे छात्राओं सहित 150 लोगों को अभियुक्त बना दिया है, जिसमें कई नाबालिग छात्राएं शामिल हैं। घटना 23 जुलाई की बताई जा रही है, जब राजला गाँव की एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी। मौके पर प्रशासन के नहीं पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। जाम के बाद स्थानीय सीओ घटना स्थल पर पहुंचे और दर्जन भर नामजद सहित 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया। इन नामजद लोगों में कई नाबालिग छात्राएं भी शामिल हैं। वो 23 जून को एक्सीडेंट हुआ था एक बच्ची का, 12 साल की बच्ची का, तो उसमें रोड जाम हुआ था। मतलब कोई तोड़ फोड़ कोई अथी नहीं हुआ था, हम लोग अच्छे से रोड जाम किए थे और तो समझा रहे थे कि हाँ कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, जो अपना जो है अथी है वो मुआवजा वो तो मिलवे करेगा, लेकिन कोई ऐसा बात हुआ तोड़ फोड़ हुआ ही नहीं। इसी के कारण में हम लोग का भी निर्दोष अथी सीओ साहब में हम लोग का ऊपर केस कर दिए, एफआईआर कर दिया। करीब में 150 आदमी का है, लेकिन फिलहाल में जैसे कि 15 आदमी का है। मेरा नाम नागो कुमारी हुआ। वहीं राजद नेता और जिला राजद महासचिव रविंद्र कुमार यादव ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को जो चेक तत्कालीन सीओ द्वारा दिया गया था, उसे बैंक खाते में पैसे नहीं होने की बात कहकर वापस लौटा दिया। राजला में जो रोड एक्सीडेंट का जो अति हुआ, उसमें 12 वर्ष के बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद वहाँ की जनता ने रोड को जाम किया। उसके बाद प्रशासन आई। प्रशासन को आने के बाद अभी तत्कालीन सीओ आए और आकर के जो है से 4 लाख को चेक दिए, और वह चेक जो दिए से जाली चेक है। बैंक में जाने के बाद जो है से वह चेक मैनेजर नहीं लिया, कहा कि यह चेक जो है से कहा कि जो आपके सबसे पहले कि आपके जो है से खाता में बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो उसमें 500 रुपया जो है से बैलेंस डाला गया। उसके बाद भी वह चेक जो है से रिटर्न कर दिया। जब माती से जो है से पूछा गया सीओ से, तो कहा कि जो नहीं, इस चेक के जगह पर जो है से दूसरा चेक दे दिया जाएगा, अभी जो है से मामला को शांत करने के लिए यह 4 लाख का चेक दिया गया है। और उसके बाद ये गरीबों सबको जो है से एक तो 12 वर्ष की लड़की की हत्या हुई, और उसके बाद लगभग जो है से जो पढ़ने लिखने वाला जो है से बच्ची लोग है उसको जो है से सीओ साहब के अति अनुशंसा पर जो है से कुरहन्नी के जो है से मैंने थाना प्रभारी जो है से इन लोगों पर 15 आदमी पर जो है से एफआईआर कर दिया, और 150 लोग जो है से अननोन है उस पर जो है से एफआईआर कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है से ये गरीब लोगों को जो है से तबाह कर रही है धरपकड़ के लिए जो है से। यह जो सरकार अभी चल रही है, यह सरकार की यही दशा है। इस सरकार में जो है से गरीबों को जीना हराम हो गया है। एक तो जो है से बच्ची मरी, और उसके बाद जो है से प्रशासन जो है से इन लोगों को तबाह कर रही है, और उसके बाद जो चेक भी दिया गया वो अभी जो है से जाली चेक दिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव, आरजेडी जिला महासचिव मुजफ्फरपुर। वहीं इस मामले में विधायक अनिल साहनी ने सीएम को दोषी ठहराते हुए कहा कि पुलिस बिल लाकर ये स्थिति उत्पन्न हुई है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे प्रशासन के लोग नहीं कर रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से पुलिस बिल लाकर गरीबों को उसका परिणाम सामने आ रहा है, और उस परिणाम के तहत जो अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया था, आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार आज इसको ख़त्म करने पर लगी हुई है। इसके लिए मैं प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द किए गए केस को वापस ले, नहीं तो इस पर तेज आंदोलन होगा, पूरे कुरहन्नी नहीं पूरा जिला में हम आंदोलन करवाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरह पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।